सुपर बड़ी एजुकेशन की तरफ से हम स्वागत करते हैं नन्हे मुन्ने दोस्तों और उनके अभिभावक यानी कि माता पिता का एडवेंचर्स ऑफ सुपर बड़ी एंड मिस एम में। दोस्तों, एडवेंचर्स ऑफ सुपर बड़ी एंड मिस एम एक उपक्रम है छोटे बच्चों को घर पर बैठ के इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़ाने लिखाने और साथ में सीखने का। हमारा पहला थीम है बटरफ्लाइज और हमारा आज का पहला एपिसोड है जिसमें सुपर बड़ी अपनी दोस्त मिस एम के साथ जानेंगे बटरफ्लाइज के बारे में। इससे पहले कि हम लोग एपिसोड शुरू करें दोस्तों, हम बता दें सुपर बड़ी कौन है। सुपर बड़ी एक बहुत ही उत्सुक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का, उन बच्चों का जो हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं और जिन्हें हम सवाल पूछने से आम तौर पर रोक देते हैं। लेकिन सुपर बड़ी किसी के रोकने पर भी नहीं रुकता, वो सवाल पूछता रहता है और नई नई इन्वेस्टिगेशंस करता है, इंक्वायर करता है, एक्सप्लोरेशंस करता है। किसके साथ? मिस एम के साथ। और मिस एम उसकी टीचर नहीं है और ना ही वो उसकी मदर है, वो है सुपर बड़ी की एक दोस्त जो सुपर बड़ी और सुपर बड़ी के दोस्तों की मदद करती हैं नए नए एडवेंचर्स में नई नई चीज़ें जानने के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी सुपर बड़ी और मिस एम के साथ बटरफ्लाई थीम के साथ। सुपर बड़ी और मिस एम एक पार्क में है जहाँ बहुत सारे फूल खिले हैं, खूब सारी तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। सुपर बड़ी उन तितलियों को देखकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं और साथ में ही देखिए ये है क्यू मीटर, ये है सुपर बड़ी का क्यू मीटर। क्यू मीटर एक वो यंत्र है जो कि बच्चों की क्यूरियोसिटी को दर्शाता है। जब क्यू मीटर लो हो जाता है तो इसका मतलब बच्चे किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं, और जैसे जैसे वो खोजबीन करते हैं और चीज़ों के बारे में और तथ्य ज्ञात करते हैं तो उनका क्यू मीटर का लेवल भी हाई हो जाता है। तो लो लेवल देखकर मिस एम सुपर बड़ी से पूछ रही हैं, हे सुपर बड़ी, चेहरे पे परेशानी की भावनाएं क्यों भाई, क्या बात है, और तुम्हारा क्यू मीटर भी लो लग रहा है। हाँ मिस एम, देखिए ना, मेरा क्यू मीटर ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरे दोस्त किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। शायद इन अजीब सी रंग बिरंगी उड़ती हुई चीज़ों के बारे में जानने के लिए, आप क्या कहती हैं मिस एम? हाँ सुपर बड़ी, ये जिस चीज़ को तुम उड़ती हुई अजीब सी चीज़ कह रहे हो ना, ये एक इंसेक्ट है यानी कि एक कीट पतंगा, इसको कहते हैं बटरफ्लाई। वाह, अगर मेरे पास एक अपनी बटरफ्लाई हो मिस एम, तो मैं इसको पकड़ के इसकी आँखें, इसकी टांग, इसके बाजू और इसकी पूंछ, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करूँ। क्या ये मेरे ही जैसी है मिस एम या मेरे से कुछ अलग है? सुपर बड़ी, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की एडवेंचर। लेकिन एडवेंचर शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। सुपर बड़ी, तुम्हारे सवाल के जवाब में कि हम लोग एक जैसे हैं या अलग, हम कुछ चीज़ों में एक जैसे हैं लेकिन कुछ चीज़ों में अलग। जैसे कि एक तितली की पूंछ नहीं होती जैसे कि तुम्हारी पूंछ है। आओ इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। मैं इस पेज पे आधी बटरफ्लाई बनाती हूँ और बाकी बचे हुए पेज पे तुम बटरफ्लाई बनाओ। वाओ, कितनी बढ़िया बटरफ्लाई बनी है मिस एम। देखिए देखिए सुपर बड़ी, इसे कहते हैं टीम वर्क, इसे कहते हैं जानकारी को एक साथ मिलकर बनाना। हाँ मिस एम, आपने ही बोला कि बटरफ्लाई एक कीट पतंगा है, मैंने तो हमेशा सोचा कि ये एक जानवर है। देखिए मेरा क्यू मीटर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसका मतलब कि हमें जानकारी सही मिल रही है। क्या हम एक बटरफ्लाई के और स्पेशल फीचर्स के बारे में जान सकते हैं? क्यों नहीं सुपर बड़ी, आओ बटरफ्लाई के बारे में और जानते हैं। देखो इस चार्ट में बटरफ्लाई की बॉडी पार्ट्स को लेबल किया गया है और दिखाया भी गया है, और मेरी क्यू बुक कहती है कि एक बटरफ्लाई के फोर विंग होते हैं, एंटेना होता है, हेड होता है, हाइंड विंग, एब्डोमेन एंड थोरैक्स।
तो मिस एम इसके बॉडी पार्ट्स मेरे बॉडी पार्ट से काफ़ी अलग हुए। हाँ सुपर बॉडी, लेकिन उसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना, हम लोग कुछ चीज़ों में एक जैसे कुछ चीज़ों में अलग होते हैं। हाँ मिस एम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बटरफ्लाई को और सुंदर बनाने के लिए हमें इसमें कुछ रंग भरने होंगे और कुछ डिज़ाइन भी बनाने होंगे। चलिए ऐसा करते हैं, हम मिलकर ये करते हैं। क्या मैं अपने दोस्तों को बटरफ्लाई ड्रॉ और लेबल करने के लिए बुला सकता हूँ? बहुत खुशी से सुपर बॉडी, सबको बुला लो और फिर इन मटेरियल्स के साथ अपनी बटरफ्लाई को अपनी मर्जी से डेकोरेट करो। तुम पाउडर कलर यूज़ कर सकते हो, उसको पेंट कर सकते हो, बीज पत्थर धागे के साथ जैसा भी चाहो तुम अपनी बटरफ्लाई को खूबसूरत बना सकते हो। मिस एम, आप बहुत ही बढ़िया दोस्त हैं। मेरे क्यू मीटर का लेवल देखिए बढ़ गया है और मेरे दोस्त भी मेरे साथ इस नई जानकारी को हासिल करके बहुत खुश हैं। कम ऑन दोस्तों, अब हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है और क्या करना है, वी विल अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। जैसा कि इस एपिसोड में दिखाया गया है, केयर गिवर लर्नर के साथ उसी सीक्वेंस में एक्टिविटीज करने में बच्चे की मदद कर सकता है। आप पहले बटरफ्लाई को ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में केयर गिवर के साथ बात करें और फिर उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि बटरफ्लाई भी आसमान में उड़ती हैं, पक्षी भी और एरोप्लेन भी, लेकिन इन सबकी उड़ान में क्या अलग है? इसके बारे में जानकारी हासिल करिए बच्चे के साथ बैठकर डिस्कस करके। हमारी वेबसाइट www.superbuddy.in को विजिट करें ऐसे और नए और मज़ेदार फैक्ट्स के लिए। और हमें आप मेल भी कर सकते हैं team@superbuddy.in पे, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।